आज हम बनाएंगे मूंग दाल तड़का। तो ये मूंग दाल जैसा आपको पता होगा विटामिन से भरपूर होती है, बहुत पौष्टिक होती है, लेकिन हम उसको बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाएंगे। लोगों को लगता है मूंग दाल अच्छी नहीं बन सकती, तो ये हमने साबुत हरी मूंग दाल को हम किस तरह से अच्छा सा बना के तैयार करेंगे, वो आइए इसको शुरू करते हैं। इस मसालेदार मूंग के लिए सबसे पहले ये हम साबत मूंग की दाल को हमने हल्दी और नमक के संग बॉईल कर लिया है। इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं, और बाकी लोग तो काफी सूखा सा भी रखते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी रखा है, तो इस तरीके से इसको उबाल लिया है 3 सीटी देकर। और इसके साथ हमें चाहिए, ये हमने एक मीडियम प्याज है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में ये हम एक टमाटर लेंगे मीडियम साइज का, उसको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में ये हरी धनिया, उसको हम काट के ऊपर से डालेंगे। और साथ में ये एक हरी मिर्च ली है मैंने छोटे टुकड़ों में काट के, और ये अदरक है कूट के मैंने छोटे छोटे काट लिया है। साथ ही अब हम कुछ मसाले और वो चाहिए, इसको हम देशी घी में तड़का बनाएंगे। तो ये 1 बड़ा चम्मच देशी घी लेंगे, ये 2 चुटकी हींग ली है, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, ये आपकी मर्जी है, जितनी मिर्ची आप पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए। इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये मैंने दाल तड़का मसाला लिया है, अगर ये ना हो तो किचन किंग वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, या गरम मसाला चाहें तो गरम मसाला। और साथ में ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है जिसको हम ऊपर से डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही हम ऊपर से ये घर की ही मलाई है जिसको हमने फेंट लिया है क्रीम, उसको हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कढ़ाई गरम करने रख दी थी, अब हम इसमें ये सबसे पहले देशी घी डालेंगे। ये 1 बड़ा चम्मच देशी घी है जिसको हम डाल देंगे इसमें। अब जैसे ही घी गरम होगा हम उसमें बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले ये हमने 2 चुटकी हींग और ये हम जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगेगा हम उसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे, जो कटा हुआ प्याज हमने लिया था वो प्याज डालेंगे। और प्याज को हम तब तक भूनेंगे तब तक भी हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब ये अदरक आधा इंच का जो टुकड़ा हमने लिया था छोटा छोटा काट लिया है कूटने के बाद, और ये हरी मिर्ची। अब इसके बाद प्याज जब हल्का लाल हो जाएगा तो हम उसमें ये अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे। और उसके बाद जैसे ही 2 मिनट हो जाए, 1 मिनट या 2 मिनट जैसे अदरक का थोड़ा सा कच्चापन जाए, तो उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब ये कटे हुए जो टमाटर हैं वो इसको हम इसमें डाल देंगे, और टमाटर के पल्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें देखिए टमाटर थोड़े पल्पी हो गए हैं, इसे दब रहे हैं। अब हम इसमें ये दाल तड़का मसाला या किचन किंग जो भी आपने लिया है उसको डाल देंगे, जिससे खुशबू आने लगेगी जैसे ही हम इसको 2 मिनट हिलाएंगे। अब उसके बाद ये जो पकी हुई दाल है मूंग की, खड़ी मूंग, उसको हम डाल देंगे इसमें। और अब इसके संग हम 5 मिनट सिमर करेंगे। ये देखिए अभी 5 मिनट हमारी ये दाल बॉयल हो चुकी है। अब हम इसमें ये जो कसूरी मेथी थी उसको थोड़ा सा हाथ से ही क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक बार चला देंगे, और साथ में ये थोड़ी सी क्रीम जो मलाई है घर की जो हमने फेंट के रखी हुई है हम ये भी मिला देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और थोड़ी सी हरी धनिया, ये देखिए इस तरीके से डाल के हम इसको मिला देंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी यही मलाई डाल देंगे, और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती वो भी हम डाल देंगे, ऊपर से भी अच्छी लगती है और इससे काफ़ी फ्रेश टेस्ट आता है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा ये हमने देशी घी में लाल मिर्च को गरम कर दिया था, तो ये तैयार है हमारी अच्छी सी मूंग दाल तड़का।
फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिए आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी। तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।